बातें मत करिए। अपना रेफरेंसेस टैब में यहाँ तक हो गया था, इंसर्ट कैप्शन तक हो गया था, ये आ गया सभी को यहाँ तक, किसी को नहीं आया आप दोनों को? आपको मतलब क्लास ली थी फिर भी नहीं आया या फिर आपने क्लास नहीं ली? कोई बात नहीं, चले अभी पहले हम ये वाला ऑप्शन बता देते हैं, फिर इसके बाद हम आपको एक बार और इसका रिवीजन करा देंगे। चलिए यही वाला ठीक। देखिए अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया तो फिर आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया, देखिए ये वाला अगर आपको आ गया है समझ में तो फिर आपको ये वाले भी समझ में आ जाएंगे। ये यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर उसके बाद इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क सिटेशन, ये लगभग सेम ही ऑप्शन है, बस यूज उनका अलग अलग है। उनका यूज जिस तरीके से किया जाता है तरीका सेम है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं पहले हम आपको मार्क एंट्री बताते हैं, फिर उसके बाद मार्क सिटेशन, फिर हम आपको एक बार स्टार्टिंग से रिविजन करा देंगे। ठीक है, तो अपन पहले कोई टेक्स्ट इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, तो मार्क एंट्री, मार्क का मतलब क्या होता है? कोई चीज अपन मार्क कर रहे हैं, जैसे कि मार्क एंट्री से आप क्या कर सकते हो, कोई आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसके या तो डबल मीनिंग है तब भी आप ऐसा कर सकते हो, मतलब उसका, जैसे कि आपने बुक्स में देखा होगा, अभी हम आपको करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से कोई ऐसा टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं जिसके दो मीनिंग हो, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं पहले तो। क्या देखें, जैसे कि हम यहाँ से डिजाइन सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिजाइन सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम रेफरेंस टैब में गए, मार्क एंट्री पर जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे कि डिजाइन को और कुछ भी बोलते हैं, और किसी को मतलब इस डिजाइन का मीनिंग और कुछ भी होता है। आपने देखा होगा इंग्लिश में जो इंग्लिश की बुक होती है छोटे बच्चों की, उसमें ऐसे वर्ड्स लिखे रहते हैं कि उसका मीनिंग दो जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग सेम होता है। जैसे कि डिजाइन है, डिजाइन को और क्या बोलते हैं, टेम्पलेट भी बोलते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं टेम्पलेट। ठीक है, और इसको हम यहाँ से मार्क कर देते हैं, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको मार्क कर देते हैं। अगर आपको और कोई सी एंट्री है वो भी मार्क करनी है, देखिए ये लिखा हुआ इजियर, इसको भी अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं कुछ और, इजियर को और क्या बोलते हैं, इजियर को और क्या बोलते हैं बताइए, नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, अपन लिख देते हैं ए बी सी कुछ भी। ठीक है, हम इसको मार्क कर देते हैं और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर जो मार्क आ रहे हैं इनको हमें हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम होम पेज पर जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा नॉर्मल हो गया, इसको अब आप कहाँ चाहते हो, पेज के नॉर्मली पेज के लास्ट में आता है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और रेफरेंसेस में जाएंगे। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है इस पर इंसर्ट इंडेक्स, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको करना है ओके। ओके करेंगे तो देखिए हमने डिजाइन दिया था, डिजाइन के नीचे दिया था क्या, टेम्पलेट, और इजियर दिया था, उसके नीचे क्या दिया था, एबीसी। ठीक है, तो ये क्या शो करा रहा है, आपने जो भी वर्ड यहाँ पर मार्क किए हुए हैं वो वर्ड आपको यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में नीचे आपको शो कराना तो करा सकते हैं, साथ में किस पेज नंबर पे थे वो भी शो करा सकते हैं। अब अपन ये चीज एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल बी, हमारे पास पेज 2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट किया हमने। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट मार्क करना है उसको पहले आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे मार्क एंट्री पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अगर आप चाहते हो इसके दो मीनिंग है तो आप यहाँ पर इसका जो सेकंड मीनिंग है वो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो छोड़ दीजिए मार्क। ठीक है, मार्क पर क्लिक करने के बाद अब आप अगला जो है हमने यहाँ से सिलेक्ट किया पावरफुल। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे आ जाएगा। इसका भी अगर दो कुछ अलग मीनिंग आप लिखना चाहते हो, जैसे पावरफुल को और कुछ बोलते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ से आप मार्क कर दोगे। दो हो गए, अब आपको एक और करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसको भी, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा, मार्क कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। अभी ये सभी अपने पेज वन पर ही दिए थे अपन ने। अपन क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक दो बार एंड को कर देते हैं, तो आधा टेक्स्ट अपना नीचे पहुंच जाएगा। अब आप क्या करोगे, पहले अपने पास ये जो सो हाइट पैराग्राफ मार्क आ रहा है, इनको अपन को हटाना है, तो यहाँ पर होम में जाएंगे, इसको हटा देंगे। इतना है समझ में अभी। अभी अपन को जो भी टेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट के लास्ट में शो कराना है, उसको अपन ने मार्क किया है। अभी अपन को नहीं दिख रहा कौन सा अपन ने मार्क किया था। अब अपन को यहाँ पर डिफाइन करना है, तो सबसे लास्ट में जाकर क्लिक करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे, यहाँ से अपन जाएंगे मार्क एंट्री के आगे ये जो ऑप्शन दिया है इंसर्ट इंडेक्स, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो आपने जो भी ये क्या रहते हैं दो पैरा मतलब दो कॉलम में आते हैं आपके, जैसे कि 1 2 3 इस तरह से आएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, पेज डॉक्यूमेंट लिखा था वो पेज नंबर 1 पर है, पावरफुल लिखा था ये भी पेज नंबर 1 पर है, वीडियो कहाँ पर है, पेज नंबर 2 पर। अब हम यहाँ से और कुछ सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ से बटन सिलेक्ट किया, मार्क एंट्री पर गए, ये बटन आ गया, यहाँ से इसको मान लीजिए बटन को और कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसका नाम दे दिया, जैसे कि हम यहाँ पर XYZ कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, और इसको भी हमने मार्क कर दिया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ तो नहीं आया। अभी अपन क्या करेंगे, होम पर जाएंगे, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी दिया है अपडेट का ऑप्शन, ठीक है, हाईलाइट नहीं है, यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट करिए, हाईलाइट हो जाएगा अपडेट का ऑप्शन, इस पर जाकर आप अपडेट कर दीजिए। तो ये देखिए आ गया जितने भी आपने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने अभी क्या दिया था, बटन्स को हमने दो नाम दिए, एक क्या दिया था बटन्स और उसके नीचे XYZ लिख दिया था, तो ये इस तरह से शो करा देगा। अगर आपने किसी का डबल मीनिंग लिखेंगे ना आप, जैसे कि बटन्स लिया था और उसका मीनिंग हमने मतलब कुछ और भी बोलते हैं उसको, उसका नाम नीचे दिया था, तो ये 2 क्या है, पेज नंबर है, पेज नंबर 2 पर है, ये पेज नंबर 1 पर, पेज नंबर 1 पर और 2 पर। अगर आप कुछ इस तरह से दोगे तो ये इस तरह से नीचे साइड में शो होगा। आ रहा है समझ में, आया समझ में? कोई डाउट हो तो पूछिए। इतने हाँ, वर्ड मीनिंग देने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई एक वर्ड है उसकी 2 मीनिंग है तो आप उसका यूज कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मली छोटे बच्चों के इंग्लिश की बुक्स में रहता है, तो आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। एंड नोट और फुटनोट में ये है कि यहाँ पर आपने जहाँ भी दिया है वहां पर 1 2 इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, और आप उसको मतलब आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में दे सकते हो, इसको आप कहीं पर भी दे सकते हो, जहाँ आपका क्लिक है आप उस जगह पर दे सकते हो। एंड नोट और फुटनोट हमेशा, एंड नोट डॉक्यूमेंट के लास्ट में आएगा और फुटनोट पेज के नीचे आएगा, लेकिन ये आप कहीं पर भी दे सकते हो। और नोट वो क्या है, एंड नोट और फुटनोट वो होते हैं नोट, यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ एंड नोट दे दिया कोई, उस इसके बारे में जो आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते वो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है, ये रहता है। और ये क्या रहता है, नॉर्मली मीनिंग्स देने के लिए यूज किया जाता है, कि जैसे कि 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है उसकी 2 मीनिंग है, तो उसके लिए इंग्लिश की बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा। अब ये तो हमने थोड़ा सा दिया है, यहाँ पर आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं। आया समझ में इसका यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं, आया? ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला है इंसर्ट सिटेशन, सॉरी मार्क सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन अपन ने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ऑप्शन है ये, ठीक है। अब अभी अपन ने मार्क एंट्री पढ़ा है ना, सेम वैसा ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं आप, आपके वर्ड्स हैं उनको मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप इंसर्ट सिटेशन में क्या करेंगे, अपन ने यहाँ से जो भी सिटेशन दिए हैं उनको अपन मार्क कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं आ रहा, कैसे लेकर आएंगे बताइए, न्यू एंट्री नहीं करना, मैंने सोर्स पर जाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे, करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू एंट्री कर सकते हैं, नहीं करना तो क्या करेंगे, मैंने सोर्स पर जाएंगे। मैंने सोर्स पर जाने के बाद आपके सामने जो जितनी भी आपने एंट्रियां की होंगी पहले कभी, यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। इन पर ये क्या है, करंट लिस्ट, हम इसको यहाँ पर शो कराना चाहते हैं, तो हमें कौन सी करनी है, मान लीजिए ये वाली शो करानी है, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ अब हम एक और ले लेते हैं कोई सी, जैसे कि इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से कॉपी कर दिया, ये आ गई। अब जैसे बहुत सारी हो जाती है और आपको लग रहा है हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, तो क्या करोगे, क्लिक करोगे और यहाँ से डिलीट कर दोगे, तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, आपको और लेनी है तो आप इसी तरह से ले सकते हैं। अभी हमने दो ले ली, एक और ले लेते हैं अपन को। इसे यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करना अपन को, क्लोज करना है। ठीक है,